क्या होता अगर हमारे तूफान के देवता और हल्क सिविल वॉर में होते। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। वेल, पहले बात करते हैं ब्रूस के बारे में। तो देखो यार, टोनी और ब्रूस का बहुत अच्छा रिश्ता है, ऑफ कोर्स दोस्ती गाइड, और इसको हमने विटनेस भी किया है एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। बट हल्क वाली पर्सनैलिटी को देखा जाए तो उसकी टोनी के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और हमने अक्सर देखा भी है कि हल्क सिर्फ कैप्टन की बातें मानता है। तो मेरे हिसाब से हल्क कैप्टन की साइड से लड़ता। और अगर तुम लोगों को ये जानना है कि सिविल वॉर के टाइम पे ये दोनों कहाँ थे तो कमेंट कर दो यार, वीडियो आ जाएगी। अब बात करते हैं थॉर के बारे में। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था कि थॉर अपने पापा मतलब एस्गार्ड के राजा ओडिन की बात नहीं मानता, तो भला एक चिंगी सी अथॉरिटी की बात क्यों मानेगा। You people are so petty. ऊपर से थॉर और कैप्टन एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सीन की बात करें तो इधर कैप्टन थॉर की रिस्पेक्ट करके उसका हथौड़ा नहीं उठाता, और इस सीन में थॉर कैप्टन की बातें मानता है। ये हुई हमारी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिविल वॉर कभी होती ही नहीं। थॉर को पता है कि दोनों साइड अपने ही बंदे हैं, इसलिए वो कुछ जुगाड़ करके समझौता कर देता। वेल, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब थॉर और हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स सिविल वॉर में होते तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता, और फाइनली कैप्टन सारी जीतते।